हेलो सर, मैं अमूल्य सिंह। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना जो मास्टर ऑफ कॉमर्स है उसमें IBO 3 जो सब्जेक्ट है उसमें यूनिट 3 है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। बेसिकली सर, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है आप एक ग्लोब के अंदर किसी भी कंट्री के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि कोई भी छोटी कंट्री जो होती है वो किसी भी बड़ी कंट्री से ट्रेड कर सकती है, आपस में उनसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। कोई भी बड़ी कंपनी अपना जो माल है, स्टॉक है, उसे सेल आउट कर सकती है छोटी कंट्रीज में। इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है सर। 1991 में जब हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे नरसिम्हा राव जी, और उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उस टाइम पे ये जो हमने LPG 3 चीज होती हैं इनको सर स्टेब्लिश किया था, लाया गया था इन पॉलिसीज के थ्रू, जिसमें सर ग्लोबलाइजेशन आपको मैं बता चुका हूं कि ग्लोब के अंदर किसी भी कंट्री के द्वारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, बेसिकली इसके स्टार्टिंग वर्ड से ही क्लियर है सर, लिबरलाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है सर कि किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी किसी किसी भी काम को करने के लिए। जैसे पहले होता था कि किसी भी काम को करने के लिए आपको लाइसेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती थी, जो एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस थे आपके मार्केट में एंटर होने के लिए। तो लिबरलाइजेशन के थ्रू ये हुआ कि अब किसी को भी कोई भी काम करने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो अब कोई भी फ्रीली अपना जो बिजनेस है उसे सेटअप कर सकता था। तो चलिए सर, हम थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं कि हमारी जो इग्नू की किताब है इसमें क्या दिया गया है। ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ब्रॉडली मीन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज विद दी वर्ल्ड। बेसिकली इसका मतलब इन्होंने भी यही बताया कि इंटीग्रेट करना अलग अलग कंट्रीज का आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन कहलाता है। आगे पढ़ते हैं सर। पॉलिसी मेकर इन दी 21st century विल फाइंड देमसेल्व परसुइंग डेवलपमेंट गोल्स इन अ लैंडस्केप दैट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली। टू मेन फोर्स विल बी शेपिंग द वर्ल्ड इन विच डेवलपमेंट पॉलिसी विल बी डिफाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड। दीज आर ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो सर बेसिकली इसका मतलब था, जो पॉलिसी मेकर्स थे 21st century के, उन्होंने ट्रांसफॉर्म्ड किया इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली। सर यहाँ पर दो मेन फैक्टर्स काम कर रहे थे पूरे वर्ल्ड को शेप करने के लिए, डेवलपमेंट पॉलिसीज को बनाने के लिए, जो थे ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। आगे पढ़ते हैं सर। एट द एंड ऑफ 20th century ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट द इकोनॉमिक डिसीजन वेयर दे आर मेड इन द वर्ल्ड मस्ट टेक इंटरनेशनल फैक्टर इनटू अकाउंट। आगे पढ़ते हैं सर। वाइल द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज एंड कैपिटल अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स इज नॉट न्यू, इट्स एक्सेलरेशन इन द लास्ट डिकेड्स मार्क अ क्वालिटेटिव ब्रेक्स विद द पास्ट। द वर्ल्ड इज नो लॉन्गर अ कलेक्शन ऑफ रिलेटिवली ऑटोनोमस नेबरहुड्स दैट आर ओनली मार्जिनली कनेक्टेड बाय ट्रेड। द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इज इवॉल्विंग इंटू अ हाईली इंटीग्रेटेड एंड इलेक्ट्रॉनिकली नेटवर्क सिस्टम। बेसिकली इस पैराग्राफ का जो मतलब था वो ये था कि 21st century ख़त्म होते होते सर पूरे जो वर्ल्ड की इकोनॉमी थी उसमें ग्लोबलाइजेशन पूरी तरह फैल गया सर, एक तरह से उसका एक हिस्सा बन चुका था। और जो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो दो इंटरनेशनल मार्केट्स थे, ये कह सकते हैं दो कंट्रियों के बीच में जो एक रिलेशन होता था वो एक मार्केट का रिलेशन होता, एक नेटवर्क सिस्टम सा बन गया, जिसकी वजह से हर कंट्री ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाया। आगे पढ़ते हैं सर। The successful completion of the Uruguay round of multilateral trade negotiation and the growing popularity of RTAs have created considerable momentum for integrating countries further into the ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। बेसिकली सर इसका मतलब है, ये जो राउंड ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड है RTA है, इसकी अपार सफलता के बाद इन्होंने जो अपना एक मोमेंटम क्रिएट कर लिया मार्केट के अंदर और अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर ग्लोबली ट्रेडिंग सिस्टम्स में। आगे पढ़ते हैं। पॉलिसी मेकर्स इन डेवलपिंग एंड इंडस्ट्रियल कंट्रीज नाउ कन्फ्रंट द टास्क ऑफ मेंटेनिंग दिस मोमेंटम। जो मोमेंटम था उसको पॉलिसी मेकर्स हम मेंटेन करके रखना चाहते थे कि जैसा हो रहा वैसा ही चलता रहे। कंसर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ ट्रेड हैव रिसीव मच अटेंशन रिसेंटली ईयर, इंक्लूडिंग वरीज ओवर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, एनवायरमेंटल एंड फाइनेंशियल ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स। सो उनको ये भी ध्यान में रख के चलना था कि जो आपकी पॉवर्टी है, जो इनइक्वालिटी है, मतलब सर जैसे अमीर बहुत ज्यादा अमीर है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब है, या गरीबों के बारे में नहीं सोचा जा रहा, या फिर सोशल वर्क से रिलेटेड।
Even although the empirical evidence almost always fail to validate this concern, policymakers have become increasingly sensitive to them. In the past 15 years, largely because of the environmental created by GATT and World Trade Organization, many developing economics have the unilateral adopted structure changes and economics reform, including reducing their trade barriers. So, जो हमारे globalization था, जिसके through बहुत सारे जो हमारे economics में barriers थे trade के, वो सभी barriers हट गए थे. World Trade Organization और GATT भी इसको बहुत अच्छी तरह से promote कर रहा था. ये बहुत ही बड़ा change था economy के अंदर. Trend towards outward oriented trade policy is not confined to any one continent or region, and it predates the completion of Uruguay round. सर बेसिकली इसका मतलब है जो ट्रेंड पॉलिसीज थी ये किसी भी एक कॉन्टिनेंटल या एरिया पे नहीं थी सर, पूरी की पूरी दुनिया में ये चीज़ें फैल चुकी थी. बाकी सर मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ. थैंक यू सो मच. अगर सर ये वीडियो हेल्पफुल थी आपके लिए तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए अमूल्य सिंह क्लासेस को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले.